गाइस आज मेरा सपना सच हो रहा है। मैं अपनी यूट्यूब की इनकम से ले रहा हूँ अपनी ड्रीम कार। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग कर एडिटिंग कर रहा था। फिलहाल गाइस आपको पता ही है कि भीड़ू और ग्रैनी की शादी वाली मैटर खत्म हो गई है, क्योंकि ग्रैंडपा आए थे और उन्होंने बहुत पीटा ग्रैनी को और इसलिए उनकी अकड़ ठिकाने आ गई। फिर वो एलियन ने भी डर के शादी पोस्टपोन कर दी है। उन लोगों ने ये सोचा है कि जब तक ग्रैंडपा का बैंड नहीं बजेगा तब तक वो शादी नहीं करेंगे और हमारे ग्रैंडपा का तो बैंड बजाना नामुमकिन है, इसलिए ये शादी तो होने नहीं वाली। आप लोग जानते ही है ग्रैंडपा बदमाश है। और गाइस मैं ना यार अपनी फॉर्च्यूनर से ना बोर हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई सुपर कार ले लूँ। चलो तो मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ उनकी क्या राय है। बाकी भूख भी लगी है और मम्मी ने लहसुन के परोसे बना दिए होंगे, तो चलो सड़ते हैं। तो गाइस अभी खाना वाना खा के आ चुका हूँ, मजा आ गया। ये मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ बेटा बता, क्या बात करनी है तुझे? मम्मी यार ये फॉर्च्यूनर में अब ना रोला नहीं पड़ रहा है, तो अब रोला पड़ने के लिए मैं सोच रहा हूँ सुपर कार ले लूँ। हाँ बेटा ले ले, फिर रोला जमाना रोला। अबे नूबड़े, तेरे पास सुपर कार लेने के पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ बेटा, मैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, तो तू इतने पैसे लाएंगा कहाँ से? ये देखो गाइस, मेरे फैमिली मेंबर मेरे को हल्के में ले रहे हैं। अरे मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगर इतना पैसा कमाता हूँ कि हर महीने सुपर कार ले सकूँ। बाबू मोसाई तो बताना कितना कमाता है तू? अरे मैं यार वो बता नहीं सकता, सॉरी इनकम नहीं बता सकते। झूठ बोल रहा है नुबड़े यार, बताना यार। हाँ तो देखो गाइस, आप लोगों को मैं मेरी इनकम बता ही देता हूँ। आप तो जानते ही हो कि एक यूट्यूबर अपनी इनकम सीधी तरीके से नहीं बता सकता, या फिर वो बताना चाहता नहीं है, इसलिए ना मैं आपको इनडायरेक्टली मेरी इनकम बता देता हूँ। देखो एक मिनट में मैं 50 बीमर खरीद सकता हूँ और उसमें से 15 पार्ले जी का माइनस कर देना और उसमें एक आईफोन 15 का जितना प्राइस है वो ऐड कर दो। फिर उसमें से एक एक्टिवा का ऑन रोड प्राइस माइनस कर दो। फिर उसमें से जितना हिस्सा बांटा है उसमें एक महिंद्रा थार की प्राइस ऐड कर दो। फिर उसमें 3 आदम शाशा के कस्से का प्राइस ऐड कर दो। एक कस्से का प्राइस है 299 रुपए और उसमें मुझे डिस्काउंट मिलता है कि मैं एक छोटू का डायपर खरीद सकूं। और आखिर में जितना भी अमाउंट आता है उतना ही अमाउंट माइनस कर दो। फिर 300 रुपए ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, उतनी मेरी इनकम है पूरे एक महीने की। तो आप लोग पूरा कैलकुलेट करके कमेंट कर देना, जिसका भी सही कैलकुलेशन होगा उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। अरे वाह, फिर तो बहुत कमाता है तू। हाँ तो मुझे क्या हल्की टोप समझ रहे हो आप? बहुत पैसा है मेरे पास, पैसों में अंधा हो चुका हूँ। अगर आपको भी गाइस इतना पैसा चाहिए तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर दो। अबे किसी और का डायलॉग क्यों उठा रहा है? अरे मैंने तो अपना बनाया यार, उसका तो वो डायलॉग है कि अंबानी मेरे। अबे चुप हो जा साले, डीमोनिटाइज हो जाएगा। तो बताओ फैमिली मेंबर्स में कौन सी कार लूं? अरे बेटा मैं तो बोलता हूँ अल्टो ले ले, फिर उसमें CNG फिट करवा के गेड़िया मारेंगे। और नहीं ताऊ जी, उसका जमाना चला गया क्रिमिनल। मैं तो बोलता हूँ i20 ले ले, फिर उसमें फॉग लैंप फिट करवा के रोला जमाएंगे। अरे नहीं बेटा, ये सब तो छोटी कार से, मैं तो बोलता हूँ ट्रक ले ले, पूरा खानदान बैठ के गेड़िया मारेंगे। कितनी छोटी सोच है तुम लोगों की। हाँ सही कहा, मैं सोच रहा हूँ लैम्बोर्गिनी ले लूँ, क्या बोलते हो ले लूँ? हाँ ले ले, अपने पैसे से ले रहा है तो कोई भी ले ले। अरे ये ले बेटा मेरी कार लेकर जा। हाँ गाइस, और एक बात कहनी थी, हमारे वीडियोस को 2-3 लाख लोग देखते हैं पर इंस्टाग्राम पे सिर्फ 24,000 लोग ही फॉलो करते हैं। तो बुरा लगता है यार कि आपकी वीडियोस को लोग इतना पसंद करते हैं पर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। तो फॉलो कर लो यार, कमेंट में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। तो
तो गाइस अभी मैं हिप्पू और आदम सासा जा रहे हैं मेरी नई सुपर कार लेने। बाबू मोसा तेरी लैम्बोर्गिनी में मेरे को बिठाना जरूर। हाँ हाँ बिठाऊंगा, चिंता क्यों करता है। वैसे आदम सासा आपने कभी लैम्बोर्गिनी देखी क्या? अबे साले जब भी तू बच्चा था ना तभी मैं लैम्बोर्गिनी में गेड़िया मारता था। सासा यार आपकी बहुत पुरानी आदत है, कभी भी फेंकने लगते हो, और एक तो ये खटारा कार सड़ भी नहीं रही। अबे ओ धीरे चला, अगर ताऊ की कार को कुछ हो गया ना तो वो हमें घर में नहीं घुसने देंगे। अरे इसे क्या मैं तेज चलाऊ, 30-40 से ऊपर तो जा ही नहीं रही, खटारा कहेगी। बाबू मोसा झूठ बोल रहा है, गाड़ी तो 150 की स्पीड में चल रही है। अरे उसमें कुछ नहीं होता हिप्पू यार, मेरी आदत है मैं ऐसे ही सड़ाता हूँ। अबे क्रिमिनल धीरे, कार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अरे सासा कंट्रोल में ही है कार। देख बोला ना नहीं रही ना कंट्रोल में। अरे कंट्रोल में ही थी ये, तो मैंने यहाँ से इसलिए ली क्योंकि यहाँ शॉर्टकट है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ सुपर कार के शोरूम पे, और अभी 2 ही मिनट में अपनी नई सुपर कार की मैं डिलीवरी लेने वाला हूँ। तो उसका मैं मस्त सिनेमैटिक लूंगा, तो आप लोग सिनेमैटिक को एंजॉय करें। गाइस फाइनली मैंने मेरी ड्रीम कार ले ली। गाइस यार इस खुशी के मौके पे सासा और हिप्पू ने मेरा दिल तोड़ दिया यार। वो देखो वो दोनों जा रहे हैं फिर से घर, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के ही, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं इस कार के पैसे नहीं दूंगा। ये लोग मुझे क्या समझते हैं यार, भला मैं इतना बुरा हूँ? कोई ना सड़ो, अब मैं पेमेंट वगैरह करके आपसे बात करता हूँ। रे भाई चलो, तो आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे भाई, लोन पे या फिर रोकड़ा? अरे भाई साहब मैं एक ब्लॉगर हूँ यार, कंटेंट की कमी हो रही थी इसलिए कार लेनी पड़ रही है। एक काम कीजिए, 2-3 दिन के लिए ले जा रहा हूँ, फिर वापस छोड़ जाऊंगा। आप बस 2-3 दिन का भाड़ा बता दीजिए, मैं दे दूंगा। रे भाई ऐसा ना होता, यो सुपर कार से भाड़े ना मिलती। अरे आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, रेड क्रिमिनल ब्लॉगर। हाँ तो के हो या भाई है, के कर लेगा। अरे आप आदम सासा को जानते हो क्या? हाँ उन्हें तो जानता सु भाई, सभी जानते से बिग फैन सु भाई। अरे मैं उनका भतीजा हूँ, रिस्पेक्ट आदम सासा और भतीजा गाइस। हाँ तो फिर ले जा भाई, पर 2-3 दिन बाद छोड़ जाइयो। हाँ ठीक है, भाड़ा भी तभी दे दूंगा। अब कहाँ जाऊ, कहाँ जाके रोला जमाऊ? हाँ एक काम करता हूँ, सकुरा के पास जाता हूँ, वो मेरे पास लैम्बोर्गिनी देख के बहुत जड़ेगा। अरे तेरे को क्या लगता है आलोक, बिग बॉस कौन जीतेगा? अरे बैगन बिग बॉस तो हमारे इंडिया वाले ही जीतेंगे। हाँ ये रहा। अरे ओ सकुरा ये देख तेरे यार लैम्बोर्गिनी। हाँ ठीक है आलोक, पर मैं तो तुझे बिग बॉस का बोल रहा हूँ, लगता है तू आईपीएल का बोला। हाँ यार वो आईपीएल तो अपना इंडिया ही जीतेगा। अबे गधे है दोनों के दोनों, बिग बॉस तो कब का खत्म हो गया है। वैसे ये देखो मेरी लैम्बोर्गिनी कैसी है। आलोक मेरे को लगता है तुझे डीजे बजाने का धंधा बंद कर देना चाहिए। अबे साड़ो इग्नोर कर रहे हो, कुछ तो रिएक्शन दो, बोलो की ओपा क्या कार है, ओपी ओपी। अरे लैम्बोर्गिनी तो है जी, इसमें क्या रिएक्शन दो, ये देख पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी, मैं मेरी बाबू को गिफ्ट देने वाला हूँ। अच्छा वैसे ये कार भी मेरी नहीं है, मैं तो अपने ड्राइवर को गिफ्ट देने वाला था। सर मैं सड़ता हूँ। हाँ अबे यार इसके पास भी लैम्बोर्गिनी है, अब मैं कहाँ जाके रोला जमाऊ, मुझे किसी नूबड़े के पास जाना पड़ेगा रोला जमाने। आ ये रहा बनी फटीसड़ है, इसके सामने रोला जमाता हूँ। ए बनी फटीसड़ ये देख लैम्बोर्गिनी तुम्हारे भाई ने ले ली। अरे भाई साहब यकीन नहीं हो रहा है, ओ भाई ओपी यार। क्या हुआ, देख के दंग हो गया ना मेरी लैम्बोर्गिनी? अरे नहीं भैया इस पे नहीं, वो तो हम 3 पत्ती में 200 रुपए जीत गए पहली बार। ओए शाबाश ओए मेरे भाई बढ़िया। अबे साड़ो ये लैम्बोर्गिनी देख के तुम्हारी जल नहीं रही क्या? ओए नहीं ओए हमारे पास भी 2 लैम्बोर्गिनी पड़ी है, ये देख तुझे एक चाहिए तो ले जा। अबे यार इनके पास भी लैम्बोर्गिनी है, अब क्या करूँ, अब बनी सल में सड़ता हूँ। हाँ
तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। और गाइस आज ना मुझे एक सीख मिली कि किसी को जलाने के लिए ना सुपर कार नहीं लेनी चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि उसके पास कौन सी कार नहीं है, फिर वो वाली सुपर कार लो और बाद में जलाओ। बाकी मेरी एडिटिंग भी हो चुकी है। मैं